सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। और ये हमारा टूर है लुधियाना के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद है, ये टूर नहीं परमेश्वर की प्लानिंग है और ये प्लानिंग बहुत है। इसमें मेरे भाई आशीर्वाद जी मसीह और हम इस समय लुधियाना के लिए निकल रहे हैं। जाना कहीं था, पहुँच कहीं गए, ये परमेश्वर की प्लानिंग है। और बाद में मिलते हैं आपसे, गॉड ब्लेस यू। बस थोड़ा इंतज़ार, उसके बाद हम चलने वाले हैं और फिर जाके आपको बताएंगे सारी चीज़ें। ये एक ब्लॉक नहीं है, ये एक परमेश्वर की प्लानिंग है, बहुत डीपली प्लानिंग। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बस जुड़े रहे, देखते रहे। अभी हम बस में हैं और बस चलने वाली है। ये टूर एक प्लानिंग के तहत है। देखो परमेश्वर की प्लानिंग कितनी एक प्रूफ होती है जिसे समझना मुश्किल है, लेकिन प्रभु की प्लानिंग बहुत बड़ी होती है और वो अपनी प्लानिंग को पूरा करता है। तो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। दिल्ली से पंजाब का ब्लॉग है ये, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग है ये। इस प्लानिंग के बारे में आगे तब चलेगा आपको। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और फाइनली हमारी बस चल चुकी है दिल्ली से लुधियाना के लिए। बने रहे लास्ट तक, बहुत कुछ है इसमें, लेकर आज की बात बताएंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और फाइनली हमारी गाड़ी अभी एक ब्रेक पे रुकी है कुछ खाने पीने के लिए। तो हम इस होटल पे रुके हैं, मेरा भाई है आशीर्वाद जी मसीह। और फाइनली हम थोड़ा ब्रेक लेंगे आधे घंटे का, उसके बाद यहाँ से लुधियाना जाएंगे और सारी बातें बताएंगे आपको। परमेश्वर की वो प्लानिंग जो एक अद्भुत है इस टूर में, बहुत खास है आप सभी के लिए। समझना कि परमेश्वर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वाकई में बहुत महान है हमारे पास। और क्या हुआ इस टूर के अंदर, सब कुछ है इसके अंदर। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। बने रहे और बस आधे घंटे के बाद यहाँ से हम चलेंगे, जब तक हम ब्रेक लेते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। और प्रेज द लॉर्ड सभी का एक बार फिर से। और हमने यहाँ पे चाय पी ली है, इसके बाद हम निकलेंगे अपने एक बहुत ख़ास टूर पर, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये टूर को नॉर्मल नहीं है, परमेश्वर का बेस्ट प्लानिंग का है। और ये प्लानिंग आपके जीवन में भी हो सकती है और होती है, लेकिन हम परमेश्वर की प्लानिंग के विरुद्ध चलते हैं। कितना भी चलेंगे लेकिन कामयाब नहीं होंगे, हमारा परमेश्वर महान है। तो बने रहे, अब हम अपनी बस की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद आपसे मिलेंगे लुधियाना पे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। बने रहे लास्ट तक। फाइनली हम लुधियाना पहुंच गए हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सारे बात। प्रेज लॉर्ड। और हम लुधियाना के बस अड्डे पे हैं और हम यहां से वापस जाएंगे। और मैं आपको बता रहा था कि कुछ खास है आज के टूर में, और ये बातें मैं आपको शीघ्रता से बताऊंगा। सब कुछ पूरा थोड़ा वेट करना, उसके बाद जो रिकॉर्डिंग आएगी, वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा सारी प्लानिंग पूरी डिटेल में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड एक बार फिर से। और मैं आपको बता रहा था कि अब जो प्लानिंग है परमेश्वर की, देखो परमेश्वर की प्लानिंग बहुत स्पष्ट होती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। योना नबी के उस माध्यम से मैं को समझाऊंगा। योना नबी को परमेश्वर ने बोला था, तू जा निनवे, वो गया तरीश को। उसके बाद उसके रुकावट आई, दिक्कत आई, परेशानी आई, हम सब जानते हैं। जब योना का चैप्टर पढ़ोगे आप पता चल जाएगा। सेम कंडीशन हुई मेरे भाई परमेश्वर राजा मसीह को, राजीव मसीह को, और मुझे सेम दर्शन हुआ परमेश्वर का लुधियाना का। और हमने कोशिश करी लेकिन वो टाइम नहीं था, लेकिन फिर हम जाने लगे आज की डेट में। जब ये देख रहे हो 4 अप्रैल को चंडीगढ़ जीरकपुर वहाँ किसी काम से, लेकिन वहाँ का उसी टाइम हम बस अड्डे पे वो बस पकड़ने जा रहे थे जीरकपुर के, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग में नहीं था वो। पर हमने वो प्लानिंग को कैंसिल करा, जिनके घर हम जा रहे थे अचानक वो कहीं और चले गए। इतना बड़ा प्लान है परमेश्वर का, उसकी प्लानिंग को कोई फेल नहीं कर सकता। रुकावट आती है लेकिन रुकेगा नहीं। शैतान की बस की नहीं है कि परमेश्वर की प्लानिंग को फेल कर सके। अगर आपके लाइफ में भी परमेश्वर काम हो रहा है ना, तो उसे होने दे। और कोई भी ताकत आपकी लाइफ में परमेश्वर काम को नहीं रोक सकती। अगर परमेश्वर ठान लिया है आपको ब्लेसिंग देना तो मिलेगी। आज के ब्लॉग में ये दर्शाया गया है, आज का जो टूर है तभी तो बेस्ट है। हम यहाँ कहीं नहीं आए, अब हमने परमेश्वर के उस दर्शन को पूरा करा, फिर लुधियाना है। लुधियाना में हमने सिर्फ चाय पी और वहाँ से हम रिटर्न हो गए।
किसी घर नहीं आए, और लुधियाना में भी जिसके घर आना था उन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का ये एक टॉपिक था, यानी कि परमेश्वर का ये था मेरे भाई मुझे सेम दर्शन होता कि तुम जाओ लुधियाना जाओ, किसी घर मत जाओ, सिर्फ लुधियाना जाओ, मेरी आज्ञा करो। परमेश्वर की आज्ञा मानना सबसे बड़ा कर्तव्य है मेरे जिलों। जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तब हमारे पर दिक्कत आती है। आज हमने परमेश्वर की आज्ञा पूरे करा, प्रभु ने अपनी आज्ञा मनवाई, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और ये टूर हमारा सबसे बेस्ट टूर है, कोई किसी घर नहीं, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा पे हम आए। आगे हमने यहाँ सिर्फ बस अड्डे पर खड़े हुए, प्रार्थना करी और चाय पी और हम रिटर्न हो लिए। मैं, मेरा भाई पास्टर गाजी मसीह, इनके चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, जरूर क्लिक करना, देखना। और ये अद्भुत दर्शन मेरे भाई को भी हुआ, मुझे भी हुआ, और बहुत जगह चीन मिले। लेकिन जब हम दर्शन के विरुद्ध चलते हैं तब दिक्कत आती है। आज प्रभु ने हमारे दर्शन को पूरा करा। यकीन मानना परमेश्वर का कार्य को कोई नहीं रोक सकता मेरे अजीजों। अब हम दिल्ली के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। फिर मिलेंगे आपसे जल्दी इस छोटे से ब्लॉग में। बहुत कुछ प्रभु ने मुझे समझाया है, आपको समझाया। टूर एक यादगार है कि अगर प्रभु ने आपसे कुछ बोला है, दर्शन देखा है, वो पूरा होगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। फाइनली घर पे आ चुके हैं और ये लास्ट व्लॉग का आज का हिस्सा है। इसमें मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो प्रभु धन्यवाद कि सही सलामत ले गया, सही सलामत लेके आया, परमेश्वर की महिमा हो। और दूसरी बात यह है कि अभी मैं अपने चर्च में हूँ। पहली बात यह है कि ध्यान से सुनना, जो आपने व्लॉग अभी देखा, मैंने उसमें व्लॉग तो लिखा लेकिन उसमें परमेश्वर की प्लानिंग भी है, ये आपको सोचना है और देखना है और समझना है। हाँ, एक चीज़ है उसमें, उसमें थोड़ी आवाज़ आपकी मेरी कम होगी, क्योंकि बाहर आपको पता ही है ना, तो मेरा माइक था ना ब्लूटूथ था, और उस कारण से वो आवाज़ आप हो सकता है वो क्लियर ना हुई, लेकिन समझने की कोशिश करना। बहुत महत्वपूर्ण टूर था ये जो परमेश्वर ने स्पेशल रखा था, क्योंकि दर्शन पर जो प्रभु दिखाता है उस पर हमें फोकस करना है। हालेलुया। जब हम दर्शन पर, दर्शन की ओर यानी कि विद्रोह जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, तब हम पे मुसीबत आती है। अगर आपके जीवन में कोई भी दर्शन है, उस दर्शन को पूरा होने दे, उसके लिए प्रार्थना करें। और अगर अपने दिमाग से चलते हो तो दिक्कत आती है, लेकिन परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध ना बुद्धि ना ज्ञान ना समझ चलती है, ना कोई युक्ति चलती है। हालेलुया। आज प्रभु ने मुझे बहुत बड़ी सीबक एक सीख दी है कि वाक्य में परमेश्वर जो चीज़ दिखाता है वो पूरा करता है। कभी कभी प्रभु हमें सपनों की तरह बताता है, कभी कभी परमेश्वर हमें प्रैक्टिकल बताता है, क्योंकि प्रैक्टिकल जब बताता है तो वो लाइफ में लिख जाता है दिमाग पे। इस व्लॉग के साथ आप सभी को प्रभु आपको आशीषित करे, सुपर ब्लेस करे। अपनी राय जरूर देना और शेयर भी करना, और आपका कोई दर्शन है तो उसके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर उस दर्शन को पूरा करे। परमेश्वर की प्लानिंग बहुत एक सामर्थ्य होती है और पूरी होती है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। के शैतान रोकने की रुकावट कर सकता है, रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। आपकी ब्लेसिंग आपके जीवन में है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।